अस्सलामुअलैकुम सामईन, हज 2023 न्यूज़ रुबत फैसिलिटी के बारे में। हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से आज एक और सर्कुलर रिलीज़ हुआ है, सर्कुलर नंबर 24, जिसमें डेटेड 27/5/2023 है। ये सर्कुलर टेंटेटिव अमाउंट है अप्लीकेबल हज पिलग्रिम्स के लिए जिन्होंने रुबत फैसिलिटी सिलेक्ट किया था और उनको रुबत फैसिलिटी अलॉट हुई है, तो उनके लिए टेंटेटिव अमाउंट कितना भरना है वो उसके लिए सर्कुलर है। क्योंकि रुबत फैसिलिटी मक्का मदीना में एक फ्री अकोमोडेशन का फैसिलिटी है जो कि निज़ाम ने बनाए थे करीब 200 साल पहले, तो ये फैसिलिटी मक्का में हरम शरीफ के करीब ही है, 2 किलोमीटर के अंदर में। पहले ये काफ़ी सारी बिल्डिंगें थी, अभी सिर्फ 2-3 ही बिल्डिंग रह गई हैं, तो उस बिल्डिंग में तकरीबन 500 पिलग्रिम्स रह सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो अकोमोडेशन का कॉस्ट इसमें कम हो जाएगा मक्के में रहने का या मदीना में रहने का। तो अकॉर्डिंगली जिन लोगों ने हज का फीस भरा था फुल, उनको कितना रिफंड होगा वो भी आप लोग इससे कैलकुलेट करके बता सकते हैं। तो इसमें डिटेल दिया हुआ है, रुबत फैसिलिटी जिन लोगों को अलॉकेट हुआ है, टेंटेटिव अमाउंट कितना भरना है हज 2023 के लिए, वो यहाँ पर टेबल में दिया हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं सारे इम्बार्केशन पॉइंट, टोटल 20 इम्बार्केशन पॉइंट है अहमदाबाद से लेकर विजयवाड़ा तक। तो पहले अहमदाबाद का टोटल हज अमाउंट था 3,72,824, अब अगर आपको मक्का और मदीना दोनों जगह रुबत फैसिलिटी का अकोमोडेशन मिला है तो 3,03,589 रुपये भरना होगा। इसी तरह आप देख सकते हैं अपना कितना अकाउंट भरना होगा। ये सर्कुलर का लिंक भी हम लोग नीचे इस डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो इसमें आपका काफ़ी सारा फ़ायदा होगा। जिन लोगों ने रुबत फैसिलिटी ऑप्ट किया था जबकि एप्लीकेशन आज का एप्लीकेशन भरा जा रहा था, तो उन लोगों के लिए अलॉटेड हुआ है, उनका अमाउंट रिफंड हो जाएगा प्रायोरिटी बेसिस पे, यही इस सर्कुलर में दिया हुआ है। बेसिकली इसमें सर्कुलर का मोटा मोटी यही है कि रुबत फैसिलिटी में आपको अमाउंट कितना भरना था जिसकी वजह से आपको रिफंड मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको कारामद होगी, जिन लोगों ने रुबत फैसिलिटी लिया है उनके लिए भी, और जिन लोगों को रुबत फैसिलिटी के बारे में मालूम नहीं है उन लोगों के लिए भी, ताकि क्या हो कि आपका कुछ सेविंग हो जाए हज के सफ़र में, आपका कुछ सेविंग हो जाए। तो मैं इसका दुआ करूँगा कि अल्लाह आप लोगों का हज कबूल करे, आसान करे, और आप लोगों की दुआ में हम लोगों का भी कुछ थोड़ा सा हिस्सा लगा दे। आमीन।